साल 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अपने विधानसभा क्षेत्र बाड़ा पहुंची विधायक नैना चौटाला ने गांव नांधा के सरकारी स्कूल में बने भवन का उद्घाटन किया। साथ ही नैना चौटाला ने अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों की परेशानी की सुनी। नैना चौटाला ने कहा कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन फेविकॉल का बंधन है। देखो, गठबंधन के लिए मैं कहूंगी कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, ये हिलने वाला नहीं है। और हमारे बागड़ी में कहते हैं ना, कागलेगी दुरासी सु ऊंट कौन मरे करे। तो जगह बार बार गठबंधन गठबंधन तोड़न की बात करें, नहीं, गठबंधन अटल है। ये 5 साल चलेगा, इलेक्शनों के बाद का गठबंधन है। कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये जो क्राइम 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 कौओं की तरह लगे हुए ना, सिर्फ इनकी एक मंशा है। तो कागले की दुरासी सु कदी ऊंट कौन मरिया। वहीं खिलाड़ियों के धरने पर बोलते हुए नैना चौटाला ने कहा कि जेजेपी खिलाड़ियों के साथ है, दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो भी होगा सबके सामने आकर रहेगा। देखो, हम महिला पहलवानों के साथ हैं और वो जो खिलाड़ी बैठी है वो हमारे देश की आन बान और शान है। जब वो मेडल ले लेके आई तो मैं कहती हूँ पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व था। उनकी जो बात है उन्होंने रखी है, सरकार ने भी कमेटियाँ गठित की है। फिर भी मैं कहती हूँ कि सरकार को उनकी जो कमेटियों में है उनमें जल्द से जल्द सुनवाई हो के अगर उनके अध्यक्ष जो बृजभूषण जी हैं अगर वो कसूरवार है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी ये फैसला जो है ये कमेटियों के थ्रू जाके कोर्ट ने करना है। बहरहाल 2024 के चुनाव की चौसर बीत चुकी है। सभी पार्टी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जनता के बीच जाकर अपनी अपनी पार्टी की नीतियों से अवगत कराने में लगी हुई है। चरखी दादरी से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।